हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई ट्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पैचवर्क साड़ीज कैसे घर पे बनाए देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ये साड़ी से स्टार्ट करते हैं। ये जो साड़ी है ये कॉटन है, इसमें स्क्वायर पीसेस में क्लॉथ लिया है और फुल पैचवर्क किया है। फोर कॉर्नर्स में हम चाहे तो मिरर बीट्स भी लगा सकते हैं, मिरर भी लगा सकते हैं। और ब्लाउज का जो क्लॉथ है उसी में से ये लोग पट्टी भी बनाया हुआ है इस साड़ी में, आप देख सकते हो। ब्लाउज और बॉर्डर सेम कॉम्बिनेशन का, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। आप किसी भी क्लॉथ ले सकते हैं, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्लॉथ ले सकते हैं, उसमें एक स्क्वायर शेप बना सकते हैं, 3x3 या 4x4, किसी भी साइज आपको चाहिए। आप एक पेस छोड़ के एक साइज में आप रख के सिला सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब हम दूसरी साड़ी भी देखेंगे, इसमें आप देखो तो सर्कल शेप्स में किया हुआ है ये फ्रेंड्स। ये ऐसे नहीं है कि आप एक ही क्लॉथ लेना है, जो भी आपके पास बचा हुआ क्लॉथ है वो क्लॉथ को ले सकते हैं। डिफरेंट कलर पैचेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप बॉर्डर देखेंगे तो एंकर थ्रेड लेकर के 5 or 6 कलर्स में एंकर थ्रेड के साथ सिलाई लगा सकते हैं। मशीन में भी ये एंकर थ्रेड नीचे बॉबिन केस जो है उसमें आप भर सकते हो, और जब आप रिवर्स में रख के सिलाई लगाएंगे तो बॉर्डर आपको डिफरेंट स्ट्राइप्स में आ जाएगा। आप देख सकते हैं थर्ड इमेज में बॉर्डर डिफरेंट कलर्स में है, लाइंस में है, सिर्फ 6 लाइंस का एक बॉर्डर बनाया हुआ है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है फ्रेंड्स। आपके पास जो भी बचा कपड़ा है उसको सर्कल शेप में या स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में, किसी भी शेप में आप कट करके फुल साड़ी में आप पैचवर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट साड़ी ये जो है ये मैं खुद ही बनाया था। इसको हम जो ब्लाउज पीस ले रहे हैं 2 meters का कपड़ा चाहिए होता है। ये 1 meter हम 80 meters हम लोग ब्लाउज के लिए रखेंगे, बाकी 1.20 meters को लेंगे। 5 inches विड्थ में स्ट्रिप्स को हम कट करेंगे और स्ट्रिप्स को लेस के तरह अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। जो भी थोड़ा एक स्ट्रिप बड़ा लेना है, एक 10 to 15 inches विड्थ में, वो जाके हमारे पल्लू में लगा है। बैलेंस आपके पास जितना भी कपड़ा है वो आप ट्रायंगल्स में काटिएगा। ट्रायंगल्स में काट के इसको बॉर्डर में पल्लू में पैचवर्क कर देना। आप चाहे तो साड़ी में भी बीच बीच में आप कर सकते हो या प्लेन भी रख सकते हो। ये कॉटन साड़ी मैं खुद के लिए बनाया था, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट जो साड़ी है ब्राउन कलर में, इसे भी मैं, ये मेरी फ्रेंड के लिए मैंने क्रिएट किया था। आप इसमें देखो तो ऐसे ही पैचवर्क किया है मैंने। इसको भी स्क्वायर शेप्स में काट के डायमंड के तरह रख के सिलाई लगाया है। ऐसे ही क्लॉथ को आप 80 meters ब्लाउज के लिए रख लेना। बैलेंस जितना भी कपड़ा है वो आप बॉर्डर में सिलाई लगा देना। आप चाहे तो पतला बॉर्डर भी रख सकते हैं या चौड़ा बॉर्डर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो गोल्डन लाइन जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वो पाइपिंग दिया है मैंने, वो बहुत आसान है। आप पाइपिंग जिस तरह ब्लाउज में देते हो वो पाइपिंग भी आपको रेडीमेड में मिलता है, वो लेके इसके साथ अटैच करने से एक और एक एनहांस लुक दिखता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट साड़ी आप देखें तो वही क्लॉथ लिया है मैंने, बॉर्डर के साथ में एक और स्ट्रिप को भी ऐड किया है। आप देख सकते हो 2 border के तरह दिखेगा, ये बहुत ही क्लास दिख रहा था। ये भी मैंने मेरी एक फ्रेंड के लिए रेडी किया था। आप देखो तो ये बॉर्डर जो ब्लाउज पीस है उसका मैंने 4 inches का एक बॉर्डर बना लिया, 1 inch का और एक बॉर्डर बना लिया उसके ऊपर में। 1 inch का आप गैप छोड़ के इसको लगाना है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड साड़ी बांधने से। जो भी बैलेंस पीस बचा हुआ है वो ऐसे ही फिर आप ट्रायंगल्स में कट करके लगा देना। आप चाहिए तो कपड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ये सब कुछ मैंने 2 meters कपड़ा ही लिया था फ्रेंड्स, बॉर्डर प्लस ब्लाउज के लिए सिर्फ 2 meters कपड़ा मुझे लगा था। अगर आपको फुल साड़ी पैचवर्क चाहिए है तो आप 3 meters लेके फुल साड़ी भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट साड़ी देखिए, ये तो मैंने सेल के लिए रखा था, ये अभी मेरे पास नहीं है।
इसको क्या किया था मैंने, एक कुंदन वर्क का लेस ले लिया था, ये साड़ी में लेस लगा के फिर एक गोल्ड कपड़ा अलग से लिया था, एक हाफ मीटर का कपड़ा लेकर के 2.5 इंच स्ट्रिप्स कट कर लिया था। वो 2.5 इंच स्ट्रिप्स को हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, यानी कि लेस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हम इसको लगाएंगे, ये पट्टी को लगाएंगे। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा दिख रहा था ये साड़ी, जब मेरे कस्टमर बांध के बताया तो इसका बहुत अच्छा सेल हुआ था मेरा। आप देखो तो बॉर्डर में जो भी मैंने डिज़ाइन किया है वो कुछ भी थ्रेड वर्क वगैरह नहीं है, जो भी स्टोन्स घर में होता है आपके पास जितने भी मटेरियल मिलता है आप पास के शॉप में वो लेना, थोड़ा सा एक डिज़ाइन आप हाथ से बना लेना, वो हाथ से बनाने के बाद ना वो स्टोन्स को लगा लेना। फ्रेंड्स इतना ही किया था मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। आप देख सकते हो वो जो पैटर्न मैंने बनाया है, आउटर में एक स्टोन दिया है और इनर में एक स्टोन दिया है, दैट्स इट फ्रेंड्स, दो टाइप का स्टोन लगा हुआ है। और फुल साड़ी मैंने इसका प्लेन ही रखा था। तो ये साड़ी बॉटल ग्रीन के साथ में ये गोल्ड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा था। आप अगर चाहे तो आपका जो भी ओल्ड साड़ी हो वो ओल्ड साड़ी में भी आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट साड़ी आप देखो, इसमें मैंने गोल्ड एक छोटा सा लेस लिया था, एक एलिफेंट का शेप जैसा था वो लेस लिया था, वो तो 1 इंच का लेस है, उसके साथ में एक गोल्ड पट्टी लेके लगा लिया। फिर उसके बाद मैंने कॉटन क्लॉथ दिया था, गोल्ड कॉटन क्लॉथ दिया था, जैसे कि मैंने प्रीवियस फोटोज में बताया था वैसे लगा लिया। लगा के उसके कॉर्नर में भी मैं पतला सा एक लेस दे दिया, क्योंकि मेरे कस्टमर को बहुत रिच चाहिए था तो मैंने ऐसे करके दिया था। जो भी फ्लावर्स है फ्लावर्स का जितने भी आपके पास बचा है या फिर दुकान में भी आप पैच वर्क के लिए ले सकते हैं, वो लेके पल्लू में ऐसे आपको रख लेना है। अगर सेल्स के लिए हो तो आप अभी भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, मेरे कस्टमर को इतना ही चाहिए था तो मैं इतना ही करके दिया एक पार्टी वियर के लिए। तो मैं आपको उसका आउटलुक भी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा ही लगा था, आप देख सकते हो लेस के साथ एक अलग सा एक लगा हुआ है। तो ये साड़ी देखिए, इसमें मैंने क्या किया, ऐसे 4 कॉर्नर का एक एक स्क्वायर ले लिया था, वो स्क्वायर के फिर के भी आप देख सकते हो इस साड़ी में लेस लगा हुआ है। तो एक लेस उसके बॉर्डर में आप देखेंगे तो लेस, उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट कलर का क्लॉथ ऐड किया है मैंने, वो क्लॉथ को छुपाने के लिए उसके बॉर्डर में फिर से एक पतला सा एक लेस लिया है। ये बहुत चीप से मिलता है मार्केट में, मुझे तो करीबन 250 में ही मिल गया था मुझे। वो जो क्लॉथ है मेरे पास, जो बचा हुआ क्लॉथ था, मैंने सोचा इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉथ है तो क्यों ना मैं ऐसे करें। फ्रेंड्स आपके पास जितना भी कॉन्ट्रास्ट कलर्स क्लॉथ बचता है वो आप वेस्ट मत करिएगा, जो भी प्लेन साड़ी आपके पास है आप इस आइडियाज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने खुद ही क्रिएट किया था, ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया था, इस लगा स्क्वायर पीसेस आपको कट करना है, उसके चार कोनी में जो लेस मैंने बॉर्डर में अटैच किया है वही लेस को मैं ये सारे कपड़ों के बॉर्डर में अटैच कर लिया है, सारे स्क्वायर्स के बॉर्डर में मैंने अटैच कर लिया है। ये बहुत एलिगेंट दिख रहा था फ्रेंड्स। आप जब डिज़ाइन करते हैं, आपका खुद का माइंड में रख के डिज़ाइन करते हैं तो आप यकीन मानिए आप जब भी करते हैं आप यूनिक ही लगोगे। तो आप ट्राई करके देखना, अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।